एयर इंडिया बोइंग 777 की फ्लाइट कमांडर स्वाति रावल की इस वक्त पीएम मोदी सहित देश के बड़े नेता अभिनेता तारीफ कर रहे हैं। उनकी तारीफें की जा रही हैं क्योंकि वो पहली वुमेन कमांडर बनी है जिन्होंने एक रेस्क्यू मिशन को हेड किया और वो फ्लाइट की कमांडर थी जो 263 भारतीयों को रोम से लाई। रोम में इटली के रोम में भारतीय फंसे हुए थे, वो मदद की गुहार लगा रहे थे, जिसके बाद भारत सरकार ने फैसला किया कि वो 263 भारतीयों को भारत जरूर लाएंगे। जिसके बाद जो एयर इंडिया की फ्लाइट भेजी गई जो उसकी कैप्टन थी वो थी स्वाति रावल, और स्वाति रावल को जब ये जिम्मेदारी सौंपी गई उन्होंने बिल्कुल भी ना नहीं किया और उन्होंने आगे बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया, और यही कारण है कि पीएम मोदी उनकी तारीफें कर रहे हैं। आज जब वक्त मैन वुमेन इक्वालिटी का है और लोग बात करते हैं कि महिलाएँ भी पुरुषों से कम नहीं है, जो काम पुरुष कर सकते हैं वो महिलाएँ भी कर सकती हैं, ऐसे वक्त में स्वाति रावल ने रेस्क्यू मिशन को हेड करके पूरी दुनिया में वाहवाही बटोरी है, और सिर्फ भारतीय मीडिया और भारतीय प्रधानमंत्री उनकी तारीफ नहीं कर रहे बल्कि पूरी दुनिया में स्वाति रावल की तारीफें हो रही हैं और कहा जा रहा है कि वाकई में स्वाति रावल जी ने काफी बड़ा काम किया है। अभी कुछ दिनों पहले एक महिला कैप्टन ने आर्मी में रिपब्लिक डे परेड में हेड किया था, जब भी उनकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें हुई थी। तो इस तरह की खबरें अब इंडिया में चलती ही रहती हैं। उससे कुछ दिनों पहले भारत की नेवी की 3 महिला कमांडरों ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था। तो कुल मिलाकर देखा जाए भारत की महिला जिस तरह से बढ़ चढ़ कर सभी चीज़ों में हिस्सा ले रही हैं, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो कॉम्बैट मिशन हो, चाहे वो नेवी के मिशन हो, चाहे वो एयरफोर्स की कमांडर हो, फिर चाहे वो एयर इंडिया की कमांडर हो, चाहे पायलट ही क्यों ना हो, हर तरह से भारत की महिला जिस तरह से भारत का परचम पूरी में लहरा रही हैं वो वाकई में काबिले तारीफ है। और जब इस तरह की खबरें चलती हैं तो हर एक भारतीय को इस तरह की खबरों पर गर्व होता है। और पीएम मोदी की पूरी कोशिश है कि जो भी लोग कोरोना वायरस के वक्त में एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, किसी भी तरह से किसी का समर्थन कर रहे हैं, किस तरह के रेस्क्यू मिशन में भाग ले रहे हैं, उनकी तारीफें हों और उनका जो इसमें योगदान है वो बिल्कुल भी बिना मेंशन किए ना जाए और उनको मेंशन जरूर किया जाए। और इसी के तहत स्वाति रावल का नाम इस वक्त हर किसी की जुबान पर है। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।